नमस्कार, मैं अनामिका। चलिए जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। फिर से टूटी राजेंद्र सेतु, आवागमन हुई बाधित। राजेंद्र सेतु के फिर से टूटने की सूचना से अफरा तफरी मच गई है, जिसकी वजह से सेतु पर से आने जाने वाली गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया है। सड़क के टूटने की सूचना हाजीपुर ब्रिज के डिप्टी चीफ इंजीनियर शैलेंद्र कुमार और NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव नैनन को दी गई, जिसके बाद उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया। जमुई में खोले जाएंगे प्रेस क्लब। बेचैन नेताओं की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जमुई में प्रेस क्लब खोले जाएंगे। सूबे के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के द्वारा ये बात कही गई। इस दौरान जदयू के प्रदेश महासचिव इंजीनियर शंभु शरण और स्थानीय ग्रामीणों की बड़ी संख्या में उपस्थिति मौजूद रही। तेजस्वी के ऊपर सुशील मोदी ने किया तंज, जिसके जवाब में तेजस्वी के भाई वीरेंद्र ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दरअसल सुशील मोदी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा था कि तेजस्वी के परिवार वाले और महागठबंधन ने उन्हें नेता मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए उनके बरबोलेपन की हवा निकल गई है। भाजपा नेता प्रेम कुमार ने कहा, CM के लिए कोई वैकेंसी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने मीडिया से बात करते हुए बातों ही बातों में CM बनने की इच्छा जाहिर की, जिसके दौरान उन्होंने सवालिए अंदाज में कहा कि जब हमें मौका मिला तब हम किसी से कम काम किए हैं क्या। अब इधर प्रेम कुमार ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि मांझी की गाड़ी तो छूट चुकी है, अब CM के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बाढ़ का मुआयना करने पहुंची टीम। केंद्रीय गृह विभाग की टीम ने बिहार में पहुंचकर बाढ़ से हुए नुकसान का मूल्यांकन किया। अब इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही बाढ़ से क्षतिग्रस्त इलाकों को फिर से राहत और भरपाई के लिए केंद्र से सहायता मिलेगी। अब जादू के बाद मन को भी छू गए। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर PM मोदी की तारीफ ट्वीट पर करते नजर आए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बड़े तौर पर CDS की नियुक्ति की बात करके आपने मेरे मन को छू लिया है। अब शिक्षक नियोजन का फैसला NCTE के हाथों में। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS के अंतर्गत DL.ED कोर्स करने वालों को छठे चरण के शिक्षक नियोजन में शामिल करने का फैसला अब NCTE के हाथों में दे दिए गए हैं, जिसके लिए आवेदन 18 सितंबर से लिए जाएंगे। शिक्षकों को रैली करने से किया गया मना। सरकार ने पहले तो यह फरमान जारी किया कि शिक्षकों को स्कूल में ही रहना है, उसके बाद गांधी मैदान भी देने से मना कर दिया है। बता दें कि 5 सितंबर को शिक्षकों की रैली आयोजित होने वाली थी, जिसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने मना कर दिया है। 31 अगस्त को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अरुण जेटली को दी जाएगी श्रद्धांजलि। वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा के सभी नेताओं ने कृष्ण मेमोरियल हॉल में 31 अगस्त को एक सभा का आयोजन किया है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण ने निवेदन किया है। 3 T20 की सीरीज में धोनी की जगह होंगे ऋषभ पंत। 3 T20 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारत के टीम को निर्धारित कर दिया गया है। इस टीम में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋषभ पंत को रखा गया है, जिसमें विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी उन्हें ही मिली है। बिना मेकअप के दिखेंगी कीर्ति कुल्हाड़ी। अभिनेत्री कीर्ति कुल्हाड़ी फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन में दिखेंगी। इसके निर्देशक रिभु दास गुप्ता हैं और यह फिल्म 27 सितंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग लंदन में चल रही है, जिसमें कीर्ति कुल्हाड़ी बिना मेकअप के पर्दे पर नजर आएंगी। बिहार दरोगा बहाली के लिए महिलाओं की लंबाई में छूट। बिहार में दरोगा बहाली को लेकर बीते दिनों महिलाओं ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई समान रखने पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट की बैठक की मंजूरी मिलते ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को केम्पा फंड में जमा 522 करोड़ की राशि दी गई। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिल्ली के पर्यावरण भवन में आयोजित मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री द्वारा केम्पा फंड में उपभोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा किए गए 47,436 करोड़ में से बिहार के लिए 522.95 करोड़ की राशि को ग्रहण किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कही अनुभव की बात। बीते दिनों खुद CM बनने के एक बयान में मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव के अनुभव में अभी कमी है, जबकि मेरा कार्यकाल बेहतर रहा है। लेकिन इस पर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि मांझी जी अधीर होकर खुद ही उपहास के पात्र भी बन रहे हैं।
केबीसी 11 में बिहार के रंजीत ने जीते 25 लाख। केबीसी 11 के बिहार के गोपालगंज के रंजीत कुमार ने सीजन में 25 लाख रुपए जीते, जिसके बाद आखिरी के मुगल काल से जुड़े सवाल में उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि वे जीते पैसों को अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे। वीआईपी ने शुरू किया चलो गांव की ओर। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एक बैठक में पार्टी के लिए जिला प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें समाज तथा जनता के हित के लिए कार्यभार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य जनता की भलाई है और पार्टी इसके लिए निरंतर कार्य कर रही है। आरबीआई 100 रुपए के नए नोट जारी करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 100 रुपए के नए वार्निश नोट जारी करने की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि वह जल्द ही 100 रुपए के वार्निश नोट जारी करेगी। अनंत सिंह को ले जाया गया बाढ़ कोर्ट। बेउर में अनंत सिंह को रखने के बाद बिहार पुलिस अब उन्हें 2 दिनों के रिमांड पर बाढ़ कोर्ट ले गई है, जिसके लिए जांच अधिकारी लिपि सिंह ने कोर्ट में अर्जी दी थी। अब इन्हीं 2 दिनों के दौरान अनंत सिंह से पटना पुलिस पूछताछ करेगी। राजेंद्र पुल पर शुरू हुआ मरम्मत का काम। क्षतिग्रस्त पुल पर बड़े एवं भारी वाहनों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अब इसके बाद छोटी गाड़ियों पर भी लग सकती है रोक। गौरतलब है कि सड़क के क्षतिग्रस्त होने से कोई भी हादसा न हो, इसके लिए पटना व बेगूसराय परिचालनों को रोकने के आदेश दिए गए हैं। वॉलेट केवाईसी के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त। आरबीआई ने फरवरी में ही वॉलेट कंपनियों की गुहार पर इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी। अब जिन ग्राहकों ने अपनी केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, उनके लिए पेटीएम, ओला और मोबीक्विक जैसे वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी ने रमैया के बहाने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्व आईएएस केपी रमैया को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि उनके आंखों का तारा भ्रष्ट आईएएस अधिकारी केपी रमैया 3000 करोड़ के सृजन घोटाले में संलिप्त हैं। भोजपुरी सिजलर रानी चटर्जी और रवि किशन रियलिटी शो में आएंगे नजर। रवि किशन के साथ रानी चटर्जी एक रियलिटी शो खतरा खतरा में एपिसोड करेंगी, जिसके लिए सोशल मीडिया पर फोटो भी पोस्ट की है। इन दोनों के साथ मिलकर भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिबांचिया भी शो में मस्ती करते नजर आएंगे। बिहार के युवा ने दोस्त संग मिलकर खड़ा किया करोड़ों का बिजनेस। दो दोस्तों ने, जो कि एक ही साथ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद अपने टैलेंट के बल पर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। बिहार के प्रवीण और हैदराबाद की सिंधुजा ने ब्रांड यंग ट्रेंड के नाम से खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, जिस पर ऑनलाइन कपड़ों का सेल किया जाता है। नगर विकास एवं आवास मंत्री ने ली बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री ने 2022 तक सभी को आवास दिए जाने की घोषणा की थी, जिसके बावजूद भी अभी तक अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। अब इसकी जिम्मेदारी पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आवास बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 5000 घरों का निर्माण किया जाएगा। अब जानते हैं आज के मौसम का हाल। औरंगाबाद, भागलपुर, छपरा, फारबिसगंज, नालंदा, गया, मधेपुरा, सुपौल, पटना, पूर्णिया और राजगीर में अंशतः बादल घिरे होंगे, जहां बारिश और धूल भरी हवा भी चलने की संभावना दर्ज की गई है। बिहार की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।